नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की, हमारा अतीत भाग 2 के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 6 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। 7वां चैप्टर हमें बात करनी है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में। याद रखिए, बार बार मैं यही दोहराता रहा हूं कि से जो भी आपकी एनसीईआरटी है, इसे एक बार आप लोग कहानी की तरह सुनिए या फिर चाहे पढ़िए, लेकिन एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए, एंड तक पढ़ते रहिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी एंड तक पढ़ते रहिए, क्योंकि हम अगर बीच में हड़बड़ाएंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई टर्म्स भी नहीं है कि जो समझ में ना आ सके। तो आप लोगों को एक बार अगर मन से पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है एक बार में ही 85 से 90% आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ है। इस उठापटक के बीच की ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांव में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग-अलग किस्म के समाज अलग-अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। जनजातीय नेत संताल, संथाल भी बोलते हैं से इस जनजाति को। देखिए, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गए। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्रा दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और क्रम कानूनों को नहीं मानते थे, ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियां के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपनी निवास स्थान की प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं। वे एक जगह से दूसरे जगह घूमती रहती थीं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः एक जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होना था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। टकराव और निर्भरता के संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों, मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का भी संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी की को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक या परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका प्रभाव समय के साथ साथ बदलता
रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, पंजाब में जो कि खोखर जनजाति है, 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गखर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हुए। उनके मुखिया कमाल खान गखर को वादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगार और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। वो महाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम, कई दूसरी जनजातियों का भी समूह था। प्रमुख भारतीय जनजाति के क्षेत्र जैसे आपका भील हो गया, लंगा, झंझूरा, खोखर, गखर, बलूची, अरगुन, समाज, कोली, जाटवास, भील, कोली, काटरों, कोरुगा, कुरागा, बेतर, आपको गोंड, बैगस, खोंड, कोयास, गोडवाना। याद रखिए कि आपको हर तरह से आपका नक्शा जो भी आपका भारत का है इसे याद होना चाहिए। हर तरह से कोई ट्रिक मत बनाइए, एक श्रेणी से आप लोग राज्यों का क्रम याद रख लीजिए, ठीक है? क्योंकि जब हम लोग मैप देखते हैं उसमें हमें अंदाजा तो रहना चाहिए कि कहाँ कौन सा देश है, हमारा राज्य कौन सा, मुंडा, कोच, खासी, नागा, अहोम, ठीक है? तो हमें अपना राज्यों के सभी का क्रम देख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन पराम, नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई जिलों पर कब्जा कर लिया, इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों में मुंडा, संथाल यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां, कोली, बैराद कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कुरागा, बेतर, मारवाल दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी और संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। रात में भी लोग हिरण का शिकार देख लीजिए। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यह मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जाता था। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारियों ने स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। आपने देखा होगा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जहां इस तरह की खाद्यान्न की व्यवस्था हो तो आप ऊंट आते हैं, भेड़ आती हैं, लेके लोग नहीं आते आपकी तरफ घूमने आते हैं गर्मियों के मौसम में। यही है खानाबदोश, घुमंतू जिसे बोलते हैं हम लोग।
उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाते आते इस सामानों की खरीद फरोख भी करते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील सबूत। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं। वो अपनी रेवड़ और पशु गंध के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाला, नृतक गायक, अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का भी इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी विशाल सेना के लिए 1,00,000 बैल अनाज ढोते होंगे। बंजारे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेजी व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टंडा में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता था जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहां से वे खरीदते थे और उस जगह ले जाते थे जहां वह महंगा होता था। वहां से वे किसी चीज ला लेते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते थे। वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते। यहां तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर भी से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चढ़ने के लिए खुला छोड़ देते थे क्योंकि यहां जमीन पर्याप्त और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। कांस, मगरमच्छ, कुटिया, कोंड जनजाति उड़ीसा द्वारा। ठीक है। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पास पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे, किचिए, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाने और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों, गांव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। बात करते हैं बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। वर्ण की वजह जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। जाति पर विचार में उस वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तल्लुक में स्थित उइया कुंडन उदयार की 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार में उसका वर्णन मिलता है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए
जैसे में वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियों स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। बेहूर, चंदेल, चालुक और दूसरे दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों को के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बनी, लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां जातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की। एक गौंड मंडला। राज्यों की उत्पत्ति और जनजातीय लोगों के बीच हुआ सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को दो उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। गौंड। गौंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गौंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौंड राजा राज्य छोटे गौंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहासकार अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा गौंड राजा में 70,000 गांव थी। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्यों में गढ़ों में विभाजित थे। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास कुल गौंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता है। 84 का उप विभाजन बरहुतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूल बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गंड कटंगा के गौंड राजा अमनदास ने संग्राम साय की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोगा के चंदे राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। किसने? रानी दुर्गावती ने। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। एक नक्काशी दरवाजा। गौंड जनजाति बस्तर मध्य प्रदेश में। ये देखिए, स्थानांतरित कृषि क्या होती है? किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है। इसी तरह से फसल उगाई जाती है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि में, इसे झूम कृषि भी बोलते हैं कहीं कहीं। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था, जिसने हाथियों को भटकने और दूसरे राज्यों में
उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायात में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक बड़ा भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदन साय को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब बात करते हैं अहोम जनजाति के बारे में। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आवसे। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजो के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले अग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए अहोम। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बोगार बेगार पर निर्भर था। राज्यों के लिए जिन लोगों ने से जबरन काम किया जाता था वे पाई कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों का स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका। यह आपका पूर्वोत्तर, ठीक है, यहाँ बांग्लादेश हो गया, भूटान, नेपाल, म्यांमार, यही गारो खासी जयंतिया, ये सभी जनजातियां हैं, नागा, ठीक है। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती नई तरीके से भी अमल में लाए। ये है आपके कान के आभूषण, कबोई नागा जनजाति मणिपुर द्वारा बनाए, ठीक है। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिसे खेल कहा जाता था। वह दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रयाग कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बजाय अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन किया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियां का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। पुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। निष्कर्ष, जिस युग में की हम चर्चा करते आए हैं, इस युग के दौरान महाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरफ के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्य की स्थापना की।
इस तरह से वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इससे उन्हें बेहतर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। मंगोलिया में इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्रह जनजाति आपकी मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदान स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर वे बंद प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाल। अपनी मृत्यु के समय वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। तो ये था आपका सातवां चैप्टर, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ये आपके लिए कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस हैं, करते रहना, ठीक है। याद रखिए पीडीएफ आपकी उसी पर डली हुई है टेलीग्राम पर। बीज शब्द वर्ड देखा है हम लोगों ने, जाति देखी है, टांडा देखा है, गढ़ 84, बरबोध, भुया, पाई, खेल, बुरंजी, जनगणना आदि की परिभाषा हम लोगों ने जानी। और इन्हीं शब्दों की हमें परिभाषा अगर हमें मालूम चल जाता है कि आखिर शब्दों की अर्थ क्या होते हैं, तो हमारा पाठ हमने सही से पढ़ा है, हमने अच्छे ध्यान से पढ़ा है। अगर इनके शब्द आपको समझ में नहीं आता इनका अर्थ, तो आप लोगों को एक बार और पढ़ना चाहिए, जिससे यही कॉन्सेप्ट हैं इन्हीं को क्लियर करना है। हमें कोई ज्ञाता नहीं बनना है, बस हमें उन शब्दों की परिभाषा होनी चाहिए याद, या पता होना चाहिए उन शब्दों के बारे में जो हमें आगे उपयोग में आएंगे, ठीक है। अगले आठवें क्वेश्चन, आठवें अध्याय में हम लोग बात करेंगे ईश्वर से अनुराग, ईश्वर से अनुराग।